NIU News India Update। लाल कुएं स्थित सेंचुरी पेपर मिल के श्रमिकों के द्वारा पिछले 28 दिनों से जारी अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, परंतु अब तक इसमें शासन प्रशासन ने कोई सुध नहीं ली है। आज इस धरना प्रदर्शन में आयोजित महापंचायत में प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने समर्थन देते हुए श्रमिकों के साथ लोकतांत्रिक तरीके से संघर्ष को आगे बढ़ाने का आह्वान किया है। इस दौरान यशपाल आर्य ने कहा कि श्रमिकों का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि सेंचुरी पेपर मिल के श्रमिकों द्वारा पिछले 28 दिनों से धरना प्रदर्शन चालू है, जिसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। उन्होंने कहा कि सेंचुरी प्रबंधन श्रमिकों की खामोशी को कमजोरी न समझा जाए। यदि आंदोलन ने अपना विकराल रूप धारण कर लिया तो उसकी जिम्मेदारी मिल प्रबंधन और प्रशासन की होगी। धरना स्थल पर घंटों चली जनसभा के बाद नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के नेतृत्व में सेंचुरी पेपर मिल के मुख्य द्वार पर कूच करने की रणनीति के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया, जिसके बाद सीओ अभियान चौधरी के हस्तक्षेप के बाद सेंचुरी प्रबंधन से शिष्टमंडल की वार्ता की योजना बनाई गई, जिसके बाद यशपाल आर्य के नेतृत्व में सेंचुरी पेपर मिल परिसर में 30 मिनट तक वार्ता हुई, परंतु इस वार्ता में कोई भी सकारात्मक परिणाम नहीं निकला और वार्ता विफल हो गई, जिसके बाद यशपाल आर्य द्वारा श्रमिकों को आश्वासन देते हुए कहा गया कि वे इस मामले को उत्तराखंड सदन में उठाएंगे। साथ ही कहा कि अब ये लड़ाई श्रमिकों की नहीं, ये लड़ाई अब उनकी खुद की है। इस आंदोलन को आगे ले जाने के लिए व्यापक रणनीति बनाई जाएगी और वो खुद इस प्रदर्शन में शामिल रहेंगे। न्यूज इंडिया अपडेट के लिए लालकुआ से संवाददाता सचिन गुप्ता की रिपोर्ट। ये अपने अधिकारों के लिए हमारे स्थानीय मजदूर और अन्य मांगे हैं, वायु प्रदूषण है, जल प्रदूषण को लेकर किस तरह से उसका रोकथाम किया जाए, उसको लेकर 28 दिन से हमारे कर्मचारी और हमारे संगठन के लोग, शंकर जोशी जी हमारे प्रधान हैं, युवा नेता हैं, उनके नेतृत्व में यहाँ पर लगातार धरने पर बैठे हुए हैं। लेकिन प्रशासन मैनेजमेंट जो है लालकुआ सेंचुरी का, वो बात करने को तैयार नहीं है। हमारा कहना है कि वार्ता से ही समाधान होता है, रास्ता निकलता है, और ये नौजवान शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन में यहाँ पर बैठे शांतिपूर्ण तरीके से अपने हक हकूक के लिए। प्रशासन की उदंडता कहिए, उनकी दंभ कहिए, उनका अहंकार कहिए, ये ठीक नहीं है। और मेरा मानना है कि अगर समाधान नहीं होता है, हर चीज़ का समाधान बातचीत से ही है। हर बड़े बड़े युद्ध हैं, बड़े बड़े मामले होते हैं, मसलात होते हैं, वो मिल बैठ कर ही उसका समाधान होता है और रास्ता निकलता है। यहाँ पर सभी विभिन्न जो राजनीतिक दल हैं, सबका समर्थन इस मूवमेंट को मिला है। और मेरा मानना है कि अगर प्रशासन मैनेजमेंट प्रबंधन लालकुआ सेंचुरी का सुनने को तैयार नहीं है, बातचीत को तैयार नहीं है, तो निश्चित रूप से ये लड़ाई और तेज़ हो जाएगी। और इस लड़ाई में हम सब इनके साथ हैं, मजदूरों के साथ हैं, यहाँ के जनता के साथ हैं। न्यूज इंडिया अपडेट आपका अपना चैनल है, खबर को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और पेज को जरूर फॉलो करें ताकि आपको मिल सके हमारी खबर सबसे पहले।